और सामने हमारे लालजी के मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर का जब हम आपको भी रूम दिखाएंगे, तो पार्किंग का स्पेस है, तो न्यू एसी है क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तीन तीन आपको स्विच बोर्ड, आपको लेट बार मीरा वगैरह दी हुई है। सारे रूम आपको उतना ही साफ। आपका रूम है किस कैटेगरी में आता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, क्वेरीज आ रही थी कि आप बरसाना जाइए, बरसाना में कुछ ऐसा होटल दिखाइए जहां से राधा रानी जी के दर्शन हो, राधा रानी जी लालजी का मंदिर बिल्कुल पास हो, अभी नया नया रोप वे स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल पास हो। आज हम बरसाना में आपके लिए लेके आए ऐसे लोकेशन पे कृष्णा गेस्ट हाउस, जो की एकदम प्राइम लोकेशन पे आप देख रहे हैं। मेरे पीछे रोड आ रही है, आपने कीर्ति मंदिर देखा होगा बरसाना में। कीर्ति मंदिर से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे आपका ये पड़ता है कृष्णा गेस्ट हाउस, और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं डायरेक्ट लालजी मंदिर के, जो सामने भी आपको दिख भी रहे होंगे, रात में दर्शन भी हो रहे होंगे। बहुत सुंदर दर्शन है रात के। और अगर आप यहाँ रूम भी लेते हैं, रूम से भी व्यू दिखाई देता है लालजी के मंदिर का। जब हम आपको भी रूम दिखाएंगे, तब आपको दर्शन भी कराएंगे ऊपर से मंदिर के, दिखाएंगे कैसा व्यू आता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये है कृष्णा गेस्ट हाउस, देखते हैं रिसेप्शन पे कौन है, जाएंगे उनसे बात करेंगे कैसे रूम है, किस कैटेगरी में रूम है, क्या उसका प्राइस है। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपको स्पेस दिख रहा है पार्किंग का स्पेस है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कई जगह आप अंदर जाके गलियों में होटल ले लेते हैं, पहली बात तो अपनी गाड़ी नहीं जाती, दूसरी बात वहाँ पार्किंग नहीं होती। तो पार्किंग यहाँ आपको मिल जा रही है खुली बिल्कुल। अब चलते हैं अंदर। राधे राधे भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव है। अच्छा भैया, जैसे हम ये आपका आए हैं कृष्णा गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे आपके पास रूम होंगे, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपके पास कितने रूम हैं और किस किस कैटेगरी में रूम है। हमारे पास में 16 रूम है और हमारे पास में 3 कैटेगरी के रूम है। अच्छा, 3 कैटेगरी के रूम है। तो यहाँ एसी है या नॉन एसी भी है? एसी भी है और नॉन एसी। नॉन एसी भी है। तो जो आपको पास 3 कैटेगरी के रूम है, किस किस कैटेगरी में? एक डबल बेड वाला भी है, 3 बेड वाला भी है, और एक हमारे पास में 6 बेड वाला भी है। 6 बेड वाला भी। 6 बेड मतलब सिंगल सिंगल है, डबल बेड है? नहीं, डबल डबल बेड। डबल डबल बेड मतलब पूरा काइंड ऑफ हॉल है। अच्छा, तो अभी आप जो रूम आपके जो जो खुले आपको मैं दिखा पाएंगे? अभी आप बुक है सारे? नहीं नहीं, खुल जाएंगे। खुल जाएंगे, दिखा दोगे आप? जो अच्छा, बुक नहीं है उसको दिखा दूंगा। अच्छा, जैसे कोई हमारी वीडियो देखता है और यहाँ पे आना चाहे, वैसे तो हमने बता दिया कीर्ति मंदिर के पास है, फिर भी आप एक बार एड्रेस क्लियर कर देंगे तो जो भी भक्त लोग देखते हैं। ये हमारे बस स्टैंड से पास में है, केवल 400 मीटर दूरी पर है, और कीर्ति मंदिर से हमारे केवल 200 मीटर दूरी पर है। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है। और सामने आप देख ही रहे हो हमारे लालजी जी का मंदिर है, वो केवल 500 मीटर। अच्छा, अभी नया नया रोपवे स्टार्ट हुआ है बरसाना में, और लोग अभी बहुत ज्यादा रोपवे से जा भी रहे हैं क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ है, सबको शौक। तो रोपवे के लिए यहाँ से कितना दूर है रोपवे? पास में ही है, पास में रास्ता। अच्छा, जैसे यहाँ से लोग जाना चाहे सुबह, जैसे बहुत से लोग आते हैं श्री जी की मंगला आरती के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर जाना चाहे, जैसे कोई अपने बहुत से होते हैं ट्रेन बस से आते हैं, अपना व्हीकल नहीं होता है, तो यहाँ से ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है सुबह? आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, पैदल जा सकते हैं? पैदल जा सकते हैं। तो भैया कह रहे हैं अगर आप मंगला आरती के भी दर्शन करना चाहें तो आपको ई रिक्शा की जरूरत नहीं है, इतना पास है कि आप पैदल जा सकते हो। भैया इसके साथ साथ आप ये सुविधा क्या दे रहे हैं, जैसे बहुत पानी की क्या सुविधा है, क्या वाईफाई की सुविधा है? अपने पास वाईफाई भी है, अपने पास पानी भी है। अच्छा, और जो भी मतलब क्या नाम चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। जैसे पानी आरो लगा है आपको, बोतल लगा? आरो नहीं है, बस सादा पानी है। सादा, लेकिन हाँ, फ्रिज वाला पानी है। फ्रिज वाला पानी है। अच्छा, वाईफाई और पार्किंग की सुविधा भी आप देते हो? हाँ, सामने पार्किंग सुविधा है। अच्छा, तो जैसे भैया ने बताया आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है, साथ में पानी मिल जाता है, दूसरी चीज पार्किंग आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्किंग भी यहाँ पे है, आराम से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। अपनी गाड़ी से नहीं भी आए हो, आप ट्रेन से आए हो, बस से आए हो, तो लालजी के दर्शन करने आप पैदल भी जा सकते हो, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, ज्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगी, जैसे अगर कोई हमारे वीडियो के माध्यम से आता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ बिल्कुल। कितने परसेंट का डिस्काउंट देंगे हम आपको? तुम्हारे कहना है, हर रूम पे 200 रुपए का डिस्काउंट। 200 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से आते हैं, आप बताते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से आए यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो भैया आपको 200 रुपीज का सीधा सीधा डिस्काउंट देंगे। भैया अब आप रूम दिखा देंगे? तो अब हम रूम देख लेते हैं, पहले कौन कौन से रूम है, किस किस कैटेगरी में। तो अभी एक रूम नीचे ही है और यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये है रूम। और सबसे बड़ी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रूम तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, साथ के साथ प्रॉपर्टी अभी बिल्कुल नई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपको जो यहाँ नीट एंड क्लीन और साफ सफाई हर चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, और हर चीज का ध्यान रखा भी जाता है। जैसे आप बेडिंग देख लीजिए, बेड है ये, साइड में आपको सिंगल बेड भी मिल जाता है, ड्रॉअर है, सॉकेट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं रूम में, कि अगर आप 6 लोग भी हैं तो भी सब लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं एक साथ, वेट करने की जरूरत नहीं है। जो आप होटल में मेन प्रॉब्लम होती है लोगों को, सामने ही आपको लकड़ी का कवर्ड भी रखा हुआ है, ये इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, काफी स्पेशियस है।
अगर एक दो लोग एक्स्ट्रा भी आए तो नीचे आप देखिए दो गद्दे आराम से आ जाएंगे नीचे, बहुत स्पेस है। वॉशरूम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका यहाँ वॉशरूम सामने, वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है, इनफ है। तो ये जो आपका रूम है इसमें आपको डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड मिल जाता है। तो भैया ये किस कैटेगरी में आता है? ये हमारा थ्री बेड। थ्री बेड, इसका क्या प्राइस होगा पर नाइट? इसका वैसे तो 1800 रुपए है, लेकिन आपके मतलब माध्यम से आएगा तो 1600 रुपए में लग जाएगा। तो भैया ने बताया रूम का प्राइस तो पर नाइट 1800 रुपए लेते हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख के आते हैं तो सीधा सीधा 200 रुपए उसमें लेस हो जाएंगे। ये आपका हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी कैटेगरी का रूम दिखाने। यहाँ पे ये रूम है और ये रूम, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इस रूम में आप देखेंगे तीन डबल बेड पड़े हुए हैं। ये हमारा सिक्स बेड वाला है। अच्छा, सिक्स बेड वाला है इसमें, मतलब तीन डबल बेड है तो सिक्स बेडरूम बोलते हैं भैया इसको। और यहाँ पे एसी लगा हुआ है रूम में, सारी चीज का साफ सफाई का हर चीज का ध्यान रखा हुआ है। आप रूम कोई भी लेंगे लेकिन भैया ने मेंटेन उसको सबको एक तरीके से ही किया हुआ है, सारे रूम आपको उतने ही साफ सुथरे नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे, हर चीज की व्यवस्था आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया तीन डबल बेड पड़े, आराम से छह आदमी आ जाएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचेंगे हम ये रूम लेंगे वॉशरूम में दिक्कत आ जाएगी, तो इस रूम में आपको टू वॉशरूम मिल जाते हैं, एक वहां पे एक यहाँ पे। पहले आपको ये वाला दिखा देती हूँ मैं, ये वॉशरूम है। वेस्टर्न आपको लेट पाथ मिल जाता है, सारी चीज की सुविधा मिल जाती है, गीजर वगैरह सब कुछ है साथ के साथ। एक जब एंटर करते हैं वहीं साइड में वॉशरूम है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ऑल आउट वगैरह सब भैया ने लगा रखा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, मच्छर वगैरह किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम ना हो। दोनों वॉशरूम लगभग सेम ही हैं, बस टू वॉशरूम इसलिए दिए हैं क्योंकि तीन डबल बेड पड़े हैं। और यहाँ पे अलमीरा वगैरह दी हुई है सामान रखने के लिए, आप अपना सामान भी रख सकते हैं। अच्छा भैया, ये जो आपका रूम है किस कैटेगरी में आता है? ये हमारा सिक्स बेड वाला रूम है। सिक्स बेड वाला रूम है, तो इसका क्या प्राइस रहेगा? इसका वैसे 2400 रुपए है। अच्छा अच्छा, आपके वीडियो के माध्यम से आएगा तो उसको 2000 रुपए। 2000 रुपए। जैसे एक चीज और कंफर्म हो, जैसे आप सिंगल बेड है डबल बेड है, वहाँ पे एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया, एक मतलब एक्स्ट्रा मैट्रेस लेना चाहे तो उसका कोई चार्ज होगा एक्स्ट्रा? नहीं, उसका कोई चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप आ रहे हो, एक या दो आदमी एक्स्ट्रा आ गया मैट्रेस ले रहे हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये चीज यहाँ पे अच्छी, कई होटलों में आप देख लो 500-100 रुपए 300 रुपए चार्ज लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आ रहे हैं ऊपर की तरह, आपको लेके चलते हैं। जो रूम अभी हमने जो लिया है वो है फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे का पूरा बुक है और इतनी अच्छी लोकेशन पे, जैसे मैंने बताया ये होटल है, रूम तो बुक हो ही जाना है। यहाँ पे ये लॉबी एरिया है और अभी न्यू प्रॉपर्टी है तो होटल बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है। अगर आप यहाँ पे आके अपना रूम बुक कराते हैं तो बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ आपको रूम मिल जाता है। रूम में ले जाने से पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले मैं जाती हूँ रूम के जस्ट बाहर, आप आएंगे ये खोलेंगे, बैल्कनी है, बैल्कनी से आप व्यू देखिए, यहाँ कितना प्यारा व्यू है सामने, बहुत बड़ी, आप देख रहे हैं नहर बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज, नहर बह रही है। ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है लाइन से, ये गाड़ियाँ हैं कि पूरी गाड़ी बुक करके आती हैं फैमिली 10-12। और देखो यहाँ पे अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, कोई होटल ले लेते हैं उसमें रुक जाते हैं और फिर अपना पूरा दर्शन करते हैं। इस टाइम आपको पता है 84 कोस ब्रज में परिक्रमा भी चल रही है, जगह जगह कैंप भी लगे हुए हैं, तो इस तरीके से लोग आते हैं। यहाँ पे होटल बुक किया हुआ है, पूरी दो दो बस खड़ी है, उन्होंने पूरा बुक किया हुआ है इसलिए हमें रूम मिला, और सारे रूम खाली नहीं है। इधर से मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो सामने हमारे लालडी जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, और ये हमारे रूम से व्यू है, वो भी यही व्यू है, विंडो व्यू है, बिल्कुल आपको लालडी जी के दर्शन होंगे। और क्या कहते हैं, अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं लालडी जी के तब तो आप दर्शन करेंगे, और जब भी आपको यहाँ जब तक है लालडी जी के दर्शन होते रहे, इससे अच्छी क्या बात है, बस आप विंडो खोलिए और 24 घंटे लालडी जी के दर्शन कीजिए, इससे अच्छा व्यू और लोकेशन आपको नहीं मिल सकता, इतने सुंदर दर्शन नहीं हो सकते आपको लालडी जी के। अब हम आपको दिखाएंगे रूम, ये लोकेशन तो आपने देख ली कितनी प्यारी लोकेशन है, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ, इतनी चौड़ी रोड है और शांति है यहाँ पे, ये नहीं है कि थोड़ा आप ले लो, मेन रोड पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बस शांति के साथ। ये है हमारा रूम, आपको रूम में लेके चलते, आ जाइए। और ये है हमारा रूम जिसमें हम लोग अभी रुके हुए हैं, बिल्कुल जैसे मैं बताया न्यू प्रॉपर्टी है, ये रूम है आपका। अनाया देखो ऑलरेडी मेन्यू कार्ड देख रही है, हाँ आप ऑर्डर कर लो जो भी आपको करना है। तो अनाया देखो मेन्यू लेके ऑलरेडी बैठी हुई है कि मुझे ऑर्डर करना है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा रूम मिला है, काफी स्पेशियस रूम है, एक डबल बेड है, आप चाहे तो एक गद्दा यहाँ आ जाएगा, एक गद्दा आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा, चार लोग आराम से आ सकते हैं, मतलब दो फैमिली भी आराम से रुक सकती है यहाँ पे।
अगर आप जैसे दो हस्बैंड वाइफ है, एक एक बच्चा हो, तो ये हमारी बेबी है, इस तरह की अगर एक फैमिली हो वो भी रुक सकते हैं एडजस्ट करना चाहे। और यहाँ से जो मैं आपको बता रही थी व्यू, ये देखिए, यहाँ से जब अगर हम पर्दा खोलते हैं इस तरह, तो होते हैं हमारे दर्शन लाडली जू के। कितने अद्भुत प्यारे दर्शन है लाडली जू के, यहाँ से आप देख के दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने तो हम जाएंगे, आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे, जब यहाँ तक आए हैं तो लाडली जू के दर्शन करना तो बनता है। और सुविधा रूम में जो आपको मिल जाती है, ये देखिए यहाँ पे एसी लगा हुआ है, न्यू प्रॉपर्टी है तो न्यू एसी है, खराब होने का भी, बस बहुत जगह होटल पे जाते हो एसी होता है, कभी खराब होता है, पुरानी अगर प्रॉपर्टी हो जाए। और बहुत से लोग वहम भी मानते हैं, तो ज्यादातर लोग आजकल होटल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन ढूंढते हैं, क्योंकि अपने लड्डू गोपाल भी साथ में लेके चलते हैं, तो उन्हें स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आकर वॉशरूम आता है, वॉशरूम भी अभी बिल्कुल न्यू है, ऐसा लगता है अनयूज्ड है, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो बेड है, बेड के दोनों साइड आपको टेबल मिल जाती है, देखो दोनों साइड आपको कॉर्नर में टेबल है, नीचे स्पेस रखने के, सामान रखने के लिए स्पेस भी है, दोनों साइड चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपके स्विच बोर्ड चार्जर, स्विच बोर्ड मिल जाते हैं आराम से, आप तीन से चार लोग अपना एक बार में फोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी स्विच बोर्ड है, पूरे छह स्विच बोर्ड है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, पांच छह लोग मिलकर रूम तो ले लेते हैं, स्विच बोर्ड का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। ये आपका स्विच बोर्ड हो गया, अब दिखाते हैं लगेज का रखेंगे। लगेज के लिए पूरा एक प्रॉपर एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे ऊपर आप बैग रख सकते हैं, नीचे देखो खोल के दिखाती हूँ, नीचे पूरा स्पेस है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा है। कंबल वगैरह एक्स्ट्रा दिए हुए, अगर कोई आता है एक्स्ट्रा लोग, तो ये सारा सामान यहाँ पे आप अपना रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे लगी साफ सफाई को लेके, बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ये होटल है। तो अब बरसाना अगर आप आते हैं, और मैंने जैसे बताया अगर आप मेन सिटी में लेते हैं, थोड़ा होता है कि बस ट्रेन आवाज, यहाँ पे शांति, आप अगर भजन करने आते हैं बरसाना वृंदावन, यहाँ पे बैठ के आप भजन भी कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, बहुत ही शांत जगह में है। इस रूम का प्राइस है 1000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आते हैं तो आपको 200 रुपीज़ ऑफ होकर 800 में पड़ेगा। इस रूम का वीडियो हमने दिन में बनाया था, और फिर वीडियो बनाते थोड़ी रात हो गई थी, तो बाकी वीडियो में आप देख रहे होंगे अंधेरा हो गया, क्योंकि शाम के टाइम ही हमने वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इस रूम का बनाया था। तो ये हमने आपको दिखाया कृष्णा गेस्ट हाउस, जो होटल है बरसाना में, जिस तरह आपकी क्वेरी आ रही थी, बहुत ज़्यादा बरसाना के लिए आ रही थी उस टाइम, आप देख रहे हो भक्त जो भी वृंदावन आते हैं बरसाना जरूर आते हैं, और बरसाना में भी रश उतना ही बढ़ रहा है जितना वृंदावन में। तो ये आपको मैंने पूरा होटल दिखा दिया है, आपने पूरा देख लिया है, पूरा साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन, हर चीज का भैया ध्यान रखते हैं, क्योंकि चीज में बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ, प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको हर चीज की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सारी चीज मैंने आपको बता दी, एक चीज और दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको कोई चीज लेनी, आप रात में अगर आपका बच्चा कोई चीज मांग रहा है, तो सामने भैया के अंदर चिप्स कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप ले सकते हो, कैंटीन है काइंड ऑफ छोटी सी, अंदर से आपको दिखा देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पानी सब मिल जाएगा, और ये 24/7 ओपन रहती है, ऐसा नहीं बंद हो जाती है। और ये भैया यहाँ पे रहते हैं, रात में कोई भी चीज की जरूरत हो तो इनसे आप आके बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग कृष्णा गेस्ट हाउस का, आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ आने के लिए आप बुकिंग कैसे करें, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप आने से पहले बुकिंग करा लीजिए। जब भी आप ऑनलाइन भी बुकिंग करेंगे, भैया ही आपको अटेंड करेंगे, आप यहाँ आएंगे भैया ही आपको मिलेंगे। आप लोग पूछते हुए मैं बरसाना आती हूँ तो कहाँ रुकती हूँ, यहीं रुकती हूँ, भैया के पास रुकती हूँ, सारी सुविधाएं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे रुकती हूँ। और वाईफाई वगैरह हमें चाहिए होता है अपने काम के लिए, तो सारी सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे 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 भैया।